पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम लाने का सिलसिला देर रात तक जारी है। वहीं तमाड़ के 57, कांके के 21 और मांडर विधानसभा के 10 ईवीएम मशीन आज जमा होंगे। मतगणना तक सुरक्षित रखे जाएंगे ईवीएम मशीन। वहीं स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 23 नवम्बर की मतगणना में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। रांची के 15 स्ट्रांग रूम में 5 विधानसभा सीटों का ईवीएम और वीवीपैट पहुंचा है। रांची, कांके, मांडर, तमाड़, हटिया का ईवीएम कृषि बाजार समिति 15 में जमा है। कृषि बाजार समिति 15 का ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया है। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है स्ट्रांग रूम। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ 15 का स्ट्रांग रूम। दूसरे फेज की वोटिंग अब 20 तारीख को होगी। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर 3 लेयर की सुरक्षा है, जहां ईवीएम रखे गए। क्या कुछ तस्वीरें वहां से हैं, हमें दिखलाइए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है ईवीएम को रखने के लिए और क्या कुछ प्रक्रिया भी चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में 43 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद 683 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। कल मतदान जैसे ही संपन्न हुआ उसके बाद पोलिंग पार्टीज के द्वारा जो है वो ईवीएम के मशीन को जो है स्ट्रांग रूम में ला करके सुरक्षित रखा जा रहा है। कल ही जो है सर्वाधिक बूथों पर हुए मतदान के बाद जो है ईवीएम मशीन को सुरक्षित लाया गया है और आज भी जो है कई ऐसे संवेदनशील इलाके में जो कल मतदान हुए हैं वहाँ के ईवीएम मशीन को लाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है रांची के कृषि बाजार 15 स्थित जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ रांची जिला के अधीन जो 5 विधानसभा मांडर, तमाड़, हटिया, कांके और रांची, ये 5 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद जो है ईवीएम मशीन को यहाँ पर सुरक्षित जो है रखा गया है। 3 लेयर में जो है पूरी तरह से इस 15 कृषि बाजार को जो है प्रोटेक्ट किया गया है। 3 लेयर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। कुछ 28 सेंटर जो है वो विधानसभा वार यहाँ पे बनाया गया है। उन 28 सेंटर में जो है ईवीएम के मशीन को सुरक्षित रखा गया है। जिस तरह से हमने बताया कि कई ऐसे संवेदनशील इलाके, चाहे तमाड़ की बात करें, मांडर की बात करें या फिर कांके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर जो कल मतदान हुए हैं वैसे संवेदनशील इलाके के लगभग 88 बूथों के जो ईवीएम मशीन है उन्हें आज लाया जा रहा है और सुरक्षित यहां पे रखा जा रहा है। अगले 23 नवंबर तक यहां पे तमाम जो ईवीएम मशीन है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा घेरे में रहेंगे और भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स की जो डिप्लाइड यहां पे की गई है वो यहां पे तैनात जो है वो यहां पे नजर आएंगे और सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरेज भी जो है वो जगह जगह पे लगाई गई है, जिसकी माध्यम से जो है तमाम गतिविधियों पे नजर रहेगी। खासतौर पर 15 कृषि बाजार जो ईवीएम मशीन जहाँ पे रखा गया है, ये व्रजगिरी जो सेंटर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 लेयर में जो है सुरक्षा घेरा की जो व्यवस्था है वो की गई है। अलग अलग 3 जगहों पर जो है वो बैरिकेटिंग लगाया गया है और बैरिकेटिंग से अंदर किसी भी लोगों को यहाँ पे आने के जो प्रवेश पर जो है वो अनुमति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे जो डिप्लॉयड किए गए हैं, जो कर्मी हैं, जो कर्मचारी है, वही यहाँ पे जो है आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि रांची विधानसभा के अलावा जो 5 विधानसभा है, रांची, तमाड़, मांडर, कांके और हटिया, इन 5 विधानसभा सीटों के लिए जो मतदान हुए हैं और जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं उनका किस्मत जो है वो अभी ईवीएम में कैद हो गई है। रांची विधानसभा की बात करते हैं तो रांची विधानसभा से 6 बार के जो विधायक हैं सीपी सिंह, उनका साथ कहीं ना कहीं दांव में लगा हुआ है, क्योंकि रांची विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है और पिछले 3 दशक से ये सीट जो है भाजपा के पाले में है। वैसे में रांची विधानसभा सीट पर कब्जा को आगे बरकरार रखना सीपी सिंह के लिए एक कह सकते हैं कि चुनौती है और उस चुनौती को कैसे पार करेंगे ये तो तमाम चीज़ें जो है आगामी 23 नवंबर को पता चलेगा। वहीं अगर मांडर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो मांडर विधानसभा सीट जिस पर बंधु तिर्की जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनका एक बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में है और उनकी सुपुत्री जो है शिल्पी नेहाते तिर्की वहाँ से विधायक के तौर पर अभी विधायक है, तो उन
वो अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाने में कितना कामयाब होते हैं वह जो है 23 नवंबर को पता चलेगा। वहीं या विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 3 बार के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल वो अलग अलग पार्टीज में रह करके वो विधायक चुनकर आए हैं और ये दूसरी बार है कि भाजपा के टिकट से वो चुनावी मैदान में है। वैसे में वो चौथी बार यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुँचते हैं वो उसके लिए जो है 23 नवंबर को पता चलेगा। वहीं कांके विधानसभा सीट की अगर जब बात करते हैं तो कांके विधानसभा सीट जो 1990 से बीजेपी के पाले में है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है और उसकी गढ़ को आगे किस तरीके से बढ़ाने में भाजपा कामयाब होती है। चूँकि कांके विधानसभा जो है वो कह सकते हैं कि फुटबॉल की तरह है, वहाँ पार्टी ज़्यादा अहमियत रखता है, भाजपा का जो सिंबल है वो अहमियत रखता है। वहाँ पर कैंडिडेट बार बार जो है बदला भी गया है, आपने देखा होगा कि 2014 में रामचंद्र बैठा जो कि 3-4 बार के विधायक थे उन्हें जो है बैठाया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और जीतू चरण राम को चुनावी मैदान में उतारा गया तो जीतू चरण राम ने जीत करके विधानसभा पहुंचा। जब 2019 में समरी लाल को टिकट दिया, जीतू चरण राम की टिकट को काटा गया था तो समरी लाल भी जो है विधायक चुन करके उस क्षेत्र से आए। अब जीतू चरण राम को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो अब जीतू चरण राम उस सीट से जीत करके विधानसभा पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे ये 23 नवंबर को पता चलेगा। तो उसी तरह तमाड़ विधानसभा सीट जो कि पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा के पुत्र एक तरफ है, उसी विकास मुंडा की गाड़ी को रोकने के लिए राजा पीटर चुनावी मैदान में है तो उन दोनों के बीच सीधा मुकाबला वहां पे है। अब देखना होगा कि वहां विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है या विकास की गाड़ी को राजा पीटर रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, ये तमाम चीज़ें 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो इस बार जो मतदान हुए हैं शांतिपूर्ण माहौल में कह सकते हैं कि छिटपुट कहीं कहीं घटनाएँ घटी थी लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में जो है मतदान हुआ है और वोटिंग परसेंटेज शहरी इलाकों में कम रहा। रांची की ही बात करें तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा लेकिन खरसावां जैसे दूसरे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज इस बार बेहतर रहा और कुल मिलाकर वोटिंग फर्स्ट फेज का जो है वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और ईवीएम मशीन को जो है स्ट्रॉन्ग रूम में ला करके रखा भी जा रहा है, रखा गया है। अब सेकेंड फेज का जो है चुनाव जो है वो 20 नवंबर को होगा और उसके बाद 23 नवंबर को परिणाम आएगा। 23 नवंबर का परिणाम बताएगा कि झारखंड में सरकार किसका बनने जा रहा है और कौन कौन विधानसभा सीट से जो है वो विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की व्यवस्था जो है स्ट्रॉन्ग रूम में की गई है जहां पर सुरक्षित जो है ईवीएम के मशीन को रखा गया है। जी बिल्कुल दीपक, तो स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है ईवीएम मशीनों को, 3 लेयर की सुरक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है, ईवीएम मशीनों को, वीवीपैट मशीनों को रखा गया है। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।